गया में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार 2005 से पहले रही है उन्हें कानून व्यवस्था पर कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। 2005 से पहले का जो जंगल राज था उसे याद करके सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय कार्यवाही की जगह मुख्यमंत्री आवास में समझौता किया जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज घटनाएं घटती हैं लेकिन त्वरित कार्यवाही करते हुए न्याय किया जाता है। देखिए, वो लोग तो थिथराई करते हैं, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी, कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हाउस में ही निगोशिएशन होता था। आज वैसा ना हो रहा है तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो ठिठुरई करते हैं। अभी पुराने जमाने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज को याद करते हैं तो सब लोगों का रोंगटा कांप जाता है। अभी हमारे यहाँ वो स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे संख्या बढ़ी है, छिटपुट घटनाएं घटती है, घटनाएं घटनी एक बात है लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएं घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा जा